we start our next questions of chapter 11 area and its boundary. Next question, that is D. In D, area of carom board has perimeter of 320 cm. How much its area? Now this is square carom board. कैरम बोर्ड स्क्वेयर शेप में होता है ना, तो इसकी आउटर बाउंड्री जो है वो पूरी आउटर बाउंड्री कितनी दी है, 320 सेंटीमीटर आपकी गिवन है. एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया. आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है. आपके पास पेरीमीटर गिवन है तो एरिया, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एरिया का क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. अब साइड आपके पास गिवन नहीं है, लेकिन आपके पास क्या है, पेरीमीटर क्या है, गिवन है. मीन्स कि पेरीमीटर आपका कितना है, 320 सेंटीमीटर. नाउ यू हैव टू फाइंड द साइड. तो साइड आप निकाल सकते हैं, मींस कि पेरीमीटर डिवाइड बाय 4 आ गया. अब पेरीमीटर आपका 320 है, डिवाइड बाय 4, 4 से करें आप डिवाइड. 4 1 4 4 8 32, 10 है तो राइट हेयर 10. मींस कि आपकी साइड कितनी आ गई, 80 सेंटीमीटर आपके पास साइड आ गई. ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया. नाउ व्हाट इज द एरिया, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. अब साइड कितनी आपके पास दी हुई, साइड कितनी है दी हुई, 80 मल्टीप्लाई बाय 80. 8 8 ज़ा कितने होते हैं, 64, और 8 के साथ भी 0 है, दूसरे 8 के साथ भी 0, सो राइट है 20. मीन्स कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर आपके पास जो है वो 6400 स्क्वेयर सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन ई. इन ई क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइल्स लाई द ट्राइंगल गिवन हेयर विल बी फिट इन द वाई डिज़ाइन. अब आपके पास ये डिज़ाइन दिया है तो इसमें आपने टाइल्स फिट करनी है, ठीक है, और ट्राइंगल की शेप है ये दी हुई. एरिया ऑफ द डिज़ाइन, आपने एरिया भी आपने निकालना है, ठीक है, और कितनी टाइल्स है, एक डिज़ाइन को बनाने के लिए कितनी टाइल्स है. तो आप पिक्चर में से देख सकते हो, ये 1 टाइल, ये 2, ये 3, ये 4 टाइल आ गई, और ये पूरी टाइल ज्वाइन है, मींस कि हाफ हाफ है, तो ये 5 6, तो टोटल कितनी टाइल्स आ गई, 6 टाइल्स आ गई इस डिज़ाइन को बनाने के लिए. ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चंस. सो हेयर 6 रेक्टेंगुलर टाइल्स विल फिट इनटू द गिवन वाइड डिज़ाइन. अब ये आपकी टोटल कितनी आ गई, 6 टाइल्स आ गई एक डिज़ाइन को बनाने के लिए. ठीक है, ये आपका एक डिज़ाइन जो बना उसमें 6 टाइल्स है. तो नाउ द एरिया ऑफ सच ट्राइंगुलर टाइल. अब ये ट्राइंगुलर टाइल है तो इनकी टाइल्स का एरिया कितना आ गया, 12 स्क्वेयर सेंटीमीटर आपके पास एरिया आ गया. तो ये टाइल्स आपकी क्या है, हाफ हाफ है. अगर आप यहाँ पिक्चर में से देखें तो पिक्चर में ये आपकी कंप्लीट टाइल है, पूरी एक है. ठीक है, तो टोटल आपकी ये छोटी छोटी टाइल्स कितनी बन गई थी, ये आपकी 6 टाइल्स बन गई थी. तो 6 रेक्टेंगुलर टाइल्स दैट मेक दिस डिज़ाइन. तो ये डिज़ाइन बन रहा है तो इसका एरिया कितना होगा, तो 6 आपके पास क्या है, टोटल है. तो 6 कितनी है, हाफ है, मींस कि बनवाए 2. सो डिवाइडेड, यहाँ पर बेटा 12 लिखा है, ये 12 नहीं है, बनवाए 2 है ये. ठीक है, सो 2 1 2 2 3 6, मींस कि 3 सेंटीमीटर. सो द एरिया ऑफ द डिज़ाइन दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर सेंटीमीटर. और यहाँ पर आपने सभी ने 12 नहीं लिखना है, 1/2 लिखना है. ओके, इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस पिक्चर. ऐसे ही सेम आपने पिक्चर कंप्लीट करनी है.